हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखते हैं आज का पहला पॉइंट, अयोध्या केस मामला जो कि चलते आ रहा है बहुत वर्षों से, इसका फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, जिसमें अयोध्या में जो राम मंदिर बनना था उसके लिए जो जमीन थी वो 2.77 एकड़ जमीन थी जिस पे ये विवाद था, तो ये जमीन राम मंदिर के लिए दे दिया गया है। साथ ही साथ इसके कंपनसेशन के तौर पे मुस्लिम्स को ये 5 एकड़ का ज़मीन दे दिया गया है अलग से, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए। तो आप याद रखेंगे जो पहले जो ज़मीन जो राम मंदिर के लिए मांग की जा रही थी वो ज़मीन राम मंदिर के लिए दे दिया गया है, साथ ही साथ इसके कंपनसेशन के तौर पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट उसको मुहैया कराएगी। तो न्यूट्रली अगर देखा जाए तो ये फैसला दोनों ही पक्षों के हित में गया है, जहाँ पे राम मंदिर की डिमांड की जा रही थी वो ज़मीन राम मंदिर के लिए भी दे दी गई है, साथ ही साथ इनको कंपनसेशन के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन लगभग 2 गुना ज़मीन मुस्लिम्स भाइयों को दे दिया गया है। चलिए पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। संजय गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए कंट्री मैनेजर फॉर गूगल इंडिया। ओके, गूगल इंडिया में एज अ कंट्री मैनेजर ये अपॉइंट किए गए हैं संजय गुप्ता, ये रिप्लेस करेंगे रंजन आनंदन जो कि ऑन गोइंग कंट्री मैनेजर थे गूगल इंडिया के, इनको रिप्लेस करेंगे संजय गुप्ता। तो आप याद रखेंगे संजय गुप्ता ये बने हैं कंट्री मैनेजर एट गूगल इंडिया, ये रिप्लेस करेंगे रंजन आनंदन। गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। कभी कभी आपको ये पूछ दिया जाता है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के फाउंडर कौन थे, तो आप उस केस में याद रखेंगे गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। फिलहाल में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जो कि इंडियन हैं, साथ ही साथ इसका फाउंडेशन, ये फाउंडेशन इसका कब किया गया था, इसका फाउंडेशन किया गया था 4 सितंबर 1998 को ये गूगल एग्जिस्टेंस में आया। आप याद रखेंगे इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। तो आप याद रखेंगे संजय गुप्ता ये रिप्लेस करेंगे रंजन आनंदन को एज ए कंट्री मैनेजर एट गूगल इंडिया। और करेंट में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। ओके, पॉइंट नंबर थ्री होगा देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने रिजाइन कर दिया है आज। तो आप याद रखेंगे देवेंद्र फडणवीस जो कि फिलहाल हाल ही में उन्होंने ये शपथ लिया था चीफ मिनिस्टर का, लेकिन फिलहाल ये रिजाइन कर दिए हैं और उद्धव ठाकरे ये बने हैं नए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने चीफ मिनिस्टर पद से और नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उद्धव ठाकरे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इंडियन बैंक और मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इंडियन बैंक तथा मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू सर्व माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को सर्व करने के लिए, उनको सेवा प्रदान करने के लिए इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ। ओके, तो आप याद रखेंगे इंडियन बैंक ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस। करंट में इंडियन बैंक के एमडी तथा सीईओ हैं पद्मजा चुंदरू, आप याद रखेंगे पद्मजा चुंदरू ये हैं अभी फिलहाल में मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। ओके, इंडियन बैंक की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1907 में। ओके, 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेड क्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, साथ ही साथ इसका टैगलाइन है योर ऑन बैंक। ओके, योर ऑन बैंक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है एक यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम दिया गया है नर्चर द फ्यूचर। ये प्रोग्राम का नाम है जिसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप याद रखेंगे ये किसके लिए किया गया है, ये किया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रेन स्टडिंग इन क्लास 10th एंड एवब, जो 10वीं तथा 10वीं क्लास से ऊपर के छात्र हैं जैसे 11वीं 12वीं, इन सभी के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है नर्चर द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कुमार मंगलम बिरला ये हैं सीईओ और चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं
कुमार मंगलम बिरला इन्हें दिया गया है AVLF ग्लोबल एशियन अवार्ड। AVLF ग्लोबल एशियन अवार्ड ये दिया गया है चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप कुमार मंगलम बिरला जी को। कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है AVLF ग्लोबल एशियन अवार्ड। AVLF ग्लोबल एशियन अवार्ड ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को। ये हैं चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। AVLF का फुल फॉर्म होता है एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम। एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम ये ग्लोबल एशियन अवार्ड दिया गया है चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप जो हैं कुमार मंगलम बिरला जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसका नाम दिया गया रेसारेक्स। ओके, रेसारेक्स 2019। ये किसके द्वारा ये एक्सरसाइज किया गया है? ये किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये एक्सरसाइज किया गया है, तो आप याद रखेंगे ये रेसारेक्स 2019 ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है जिसकी स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 को। 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका मुख्य उद्देश्य था व्योम रक्षणम। व्योम रक्षणम जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है बी प्रोटेक्ट। ओके, मतलब खुद की सुरक्षा। तो ये इसका मोटो है। तो आप याद रखेंगे कि रेसारेक्स 2019 ये किसके द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है? ये किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एग्जिम बैंक ने एक $30 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है घाना के साथ। एग्जिम बैंक ने $30 मिलियन का एग्रीमेंट किया है घाना के साथ फॉर पोर्टेबल वाटर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। देश में पोर्टेबल वाटर प्रोजेक्ट के लिए एग्जिम बैंक ने घाना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका कॉस्ट कितने का है? ये है $30 मिलियन का। ओके, $30 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है एग्जिम बैंक ने घाना के साथ। किसके साथ? घाना के साथ। किसके लिए? फॉर पोर्टेबल वाटर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। ओके, घाना की राजधानी है एक्रा तथा वहां की करेंसी है घानियन सेडी। ओके, घानियन सेडी ये है वहां की करेंसी और घाना की राजधानी है एक्रा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मूडी ने रिवाइज किया है इकोनॉमिक आउटलुक जिसमें इन्होंने बताया है कि इंडियन जो जीडीपी जो स्टेबल था वो अब निगेटिव हो चुका है। दैट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और ये 2019-20 में इनके अनुसार मूडी के अनुसार ये गिर के 5.6 तक भी आ सकता है। 5.6 तक ये मतलब परसेंटेज और गिरावट इसमें देखी जा सकती है। तो आप याद रखेंगे मूडीज के अनुसार जो इंडिया का जीडीपी जो कि स्टेबल था वो अब निगेटिव उसमें निगेटिविटी दैट मीन्स उसमें फॉल देखा जा रहा है। ओके, तो आप याद रखेंगे ये किसके द्वारा ये रिवाइज इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया गया? ये किया गया मूडीज के द्वारा। ओके, मूडीज के द्वारा। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओके, मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये रिलीज किया गया है जिसमें लार्ज और मीडियम स्टेट्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 में महाराष्ट्र रही है टॉप पे। किसमें? लार्ज मीडियम स्टेट्स में। उसके बाद है केरला, देन तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, सो सबसे टॉप क्या है? महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे केरला रहा है। थर्ड पे तमिलनाडु। ये है लार्ज मीडियम स्टेट्स में। जबकि स्मॉलर स्टेट्स में सबसे टॉप पे रहा है गोवा, उसके बाद सेकंड नंबर पे रही है सिक्किम एंड थर्ड पे है हिमाचल प्रदेश। तो आप याद रखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में टॉप पे है महाराष्ट्र लार्ज मीडियम स्टेट्स में, सेकंड पे है केरला एंड थर्ड पे है तमिलनाडु। वहीं स्मॉलर स्टेट्स में इस लिस्ट में सबसे ऊपर है गोवा, उसके बाद है सिक्किम एंड देन है हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया होस्ट करेगा। तो आप याद रखेंगे कि 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये होस्ट करेगा इंडिया। मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो ये घट के 8 पॉइंट्स हो चुका है एक ईयर में। मतलब कि मातृ मृत्यु दर इंडिया में अब घट के
8 पॉइंट पे पहुंच चुका है एक वर्ष में। तो आप याद रखेंगे कि मातृ मृत्यु दर में इंडिया में कमी देखी जा रही है, मतलब ये अच्छी बात है कि इंडिया में ये इम्प्रूव हो रहा है, मातृ मृत्यु दर घट रही है, ये लगभग 1 पॉइंट हो चुका है एक साल में। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नवनीता देवसेन ये एक साहित्य अकादमी अवार्डी थी, इनकी मृत्यु हो गई है 81 वर्ष की उम्र में, इनकी निधन हो गई है 81 वर्ष की उम्र में। तो आप याद रखेंगे नवनीता देवसेन ये एक साहित्य अकादमी अवार्डी थी, इनकी निधन हो गया है 81 साल की उम्र में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स 9 नवंबर 2019 से रिलेटेड। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर। आपके सामने ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको ये बताना है गूगल इंडिया इसके कंट्री मैनेजर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके सामने ये चार ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए है विक्रम राज, ऑप्शन बी संजय गुप्ता, ऑप्शन सी राजेश शर्मा एंड ऑप्शन डी राम वर्मा। आपको ये बताना है कि गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक। आपको ये बताना है कि इंडियन बैंक के MD एंड CEO कौन हैं। आपके सामने ये चार ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए है अश्वनी भाटिया, ऑप्शन बी संदीप बक्सी, ऑप्शन सी अंशुला कांत एंड ऑप्शन डी इज पद्मजा चंद्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द साहित्य अकादमी अवार्डी फॉर द बुक नवनीता इन 1999 हु पास्ड अवे रिसेंटली। आपको यह बताना है कि साहित्य अकादमी अवार्डी फॉर द बुक नवनीता ये कौन थी जिनका रिसेंटली में हालिया में निधन हुआ है। आपके सामने ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स फॉर एक्जिम बैंक लोकेटेड। आपको बताना है एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। आपके सामने ये चार ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी इज चेन्नई। आपको बताना है कि एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एक्जिम बैंक ने जो कि एक एग्रीमेंट साइन किया है घाना के साथ $30 मिलियन का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ गोवा कोस्ट। गोवा के बंदरगाह पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, उस एक्सरसाइज का नाम आपको बताना है। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये गोवा के बंदरगाह पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था, इसका नाम आपको बताना है। आपके सामने ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है द फाइनल जजमेंट इन द अयोध्या डिस्प्यूट वाज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन। आपको बताना है ये किस तारीख को डिक्लेयर किया गया या फाइनल जजमेंट दिया गया था। आपके सामने ये चार ऑप्शन दे दिए गए, 5th नवंबर 2019, 2nd नवंबर 2019, सी इज 9th नवंबर 2019 एंड डी इज 7th नवंबर 2019। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है द न्यूली अपॉइंटेड गूगल इंडिया हेड संजय गुप्ता हैज प्रीवियसली वर्कड विथ। आपको ये बताना है संजय गुप्ता जिनको नियुक्त किया गया है एज ए कंट्री मैनेजर एट गूगल इंडिया ये इससे पहले किस कंपनी के साथ काम कर रहे थे। क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, संजय गुप्ता जिनको नियुक्त किया गया है एज ए कंट्री मैनेजर एट गूगल इंडिया ये प्रीवियसली किस कंपनी के साथ काम कर रहे थे और किस पद पे वो काम कर रहे थे। आपके सामने ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ए माइक्रोसॉफ्ट एज मैनेजिंग डायरेक्टर, बी डिज्नी इंडिया एज मैनेजिंग डायरेक्टर, सी इज अमेजन इंडिया एज द CEO एंड डी इज IBM एज मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको ये बताना है संजय गुप्ता जिनको नियुक्त किया है एज ए कंट्री मैनेजर एट गूगल इंडिया ये प्रीवियसली किस कंपनी के साथ और किस पद पे काम कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कुमार मंगलम बिरला ये हैं चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप जिन्हें एक अवार्ड दिया गया है। आपको ये बताना है वो अवार्ड का नाम क्या है। ओके, उस अवार्ड का नाम क्या है ये आपको बताना है, कुमार मंगलम बिरला इनको दिया गया है ये अवार्ड।
आपके सामने ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए है द ग्लोबल बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड, ऑप्शन बी इज गोल्डन पीकॉक बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड, ऑप्शन सी इज एनुअल अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड, ओके, एंड देन डी इज ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो ऑफ इंडिया डिक्लाइंड बाई, आपको बताना है किस दर से घटा है, ये आपको बताना है. ये आपके साथ आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको गूगल करना पड़ेगा और इसके बाद ये आंसर आपको बताने हैं. आपके सामने ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए है 5.5%, ऑप्शन बी इज 6.2%, ऑप्शन सी इज 7.8% एंड ऑप्शन डी इज 10.3%. ओके, ये थे कुछ MCQs रिलेटेड टू 9th नवंबर 2019. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 नवंबर 2019 के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू एंड टेक केयर.